दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टेक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कवर करते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है 8D के बारे में। 8D एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। डी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें डी का मतलब होता है डिसिप्लिन या स्टेप भी बोलते हैं। यह एक हाईली डिसिप्लिन एंड इफेक्टिव साइंटिफिक अप्रोच रखता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने और उससे रिओकरेंस को रोकने में इसका यूज होता है। 8D को डेवलप किया था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1974 में और इसको पॉपुलरिटी दिलाया था फोर्ड मोटर कंपनी। दोस्तों 8D में 8 स्टेप होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीम, दूसरा डिफाइन द प्रॉब्लम, तीसरा कंटेनमेंट एक्शन, चौथा रूट कॉज एनालिसिस, वह होता है परमानेंट करेक्टिव एक्शन, छह नंबर पे आता है इंप्लीमेंट परमानेंट करेक्टिव एक्शन, सातवें नंबर पे आता है प्रिवेंट रीओकरेंस, आठवें नंबर पे आता है मोटिवेट द टीम। हमारा पहला स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीम, टीम मेकिंग भी बोलते हैं इसको। यह स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है टीम में तालमेल बनाए रखने के लिए। इसमें हम एक छोटा सा पीपल का ग्रुप बनाते हैं जिसमें प्रोडक्ट प्रोसेस की नॉलेज हो। यह ग्रुप 4 से 8 लोगों का होता है जिसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट से भी लोगों को शामिल करते हैं। इनमें से एक टीम लीडर को चूज करते हैं जो पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करता है। जो हमारा दूसरा स्टेप होता है वो डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, इसमें हम प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं। इस स्टेज में हम प्रॉब्लम को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं अपने टीम मेंबर के साथ, जिसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट से पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रॉब्लम को समझते हैं, जिसमें हम 5W और 2H का भी यूज करते हैं। यहाँ पर 5W का मतलब है हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ ओवर, सब पे काम करके हम प्रॉब्लम को समझते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेप है वो होता है कंटेनमेंट एक्शन, रोकथाम करना। इसमें हम पता लगाते हैं कि बिना कस्टमर के लाइन को इफेक्ट किए हुए प्रॉब्लम को कैसे रोका जाए जब तक हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन ना मिल जाए। इसके लिए हम पहले अपने प्रोडक्शन लाइन को स्टॉप करते हैं, फिर हम WIP और डिस्पैच मटेरियल को सेग्रीगेट करवाते हैं, ओके और NG मटेरियल को हम अलग अलग रखते हैं, फिर ओके मटेरियल को कस्टमर को डिस्पैच करते हैं ताकि उसकी लाइन को कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हमारा चौथा स्टेप है रूट कॉज एनालिसिस, इसमें हम प्रॉब्लम के रूट कॉज का पता लगाते हैं कि किस वजह से यह प्रॉब्लम जनरेट हुआ। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। रूट कॉज एनालिसिस के लिए हम बहुत सारे टूल का यूज करते हैं, जैसे 5-5 प्रोसेस, फिशबोन डायग्राम, स्टैटिकल एनालिसिस, ऑडिट भी करते हैं। ये सारे टूल्स का यूज करके हम रूट कॉज का पता लगाते हैं। जो हमारा पांचवा स्टेप है परमानेंट करेक्टिव एक्शन, इसमें हम पता लगाते हैं कि हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए इस शॉर्ट टाइम पीरियड में जिसमें हमारा प्रोडक्ट प्रोसेस कंट्रोल में रहे। इसके कुछ क्राइटेरिया को ध्यान में भी रखा जाता है, जैसे प्रैक्टिकली फिजिबल, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा हो, रिबूस्ट, ETC का ध्यान रखा जाता है। तो हमारा छठवां स्टेप है इंप्लीमेंट परमानेंट करेक्टिव एक्शन, इसमें परमानेंट करेक्टिव एक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक एक्शन प्लान बनाते हैं जिसमें हम कुछ स्टेप डिसाइड करते हैं कि इसको कौन करेगा, कब यह कंप्लीट होगा। इसमें इंश्योर ये भी करते हैं कि क्या जो भी एक्शन प्लान बने हैं उसको सभी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ बातों का भी ध्यान रखा जाता है जिसका फीडबैक भी लिया जाता है, लेस रिजेक्शन हो, टेस्ट रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट हो, कस्टमर इससे सेटिस्फेक्शन हो, कस्टमर एंड पे ये प्रॉब्लम नहीं जा रही हो, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों जो हमारा सातवां और महत्वपूर्ण स्टेप होता है प्रिवेंट रीओकरेंस, इस स्टेप में हम पता करते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम दोबारा से नहीं जनरेट हो। यह इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। रीओकरेंस को रोकने के लिए हमें वेरीफाई करना होता है एक्शन प्लान का आउटकम क्या आ रहा है, जिसमें हम कुछ टूल का यूज करते हैं जैसे कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल प्लान, हिस्टोग्राम, कैपेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, FMEA रिव्यू करते हैं, गेज RNR स्टडी करते हैं। फिर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं जैसे कि मेक प्रॉपर टूल और जिग, चेकिंग द प्रोसेस पैरामीटर, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करते हैं कि इसके जैसा सेम पार्ट अगर है तो उसमें भी ये एक्शन प्लान
लागू किया जाता है ताकि ये दोबारा से उन पार्टों में भी ये प्रॉब्लम ना आए। रिपेयरिंग सिस्टम को बनाते हैं, फुल ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है इसके बारे में। और जो हमारा लास्ट और आखिरी स्टेप है, कंग्रेट द टीम, इसमें हम अपने टीम को बधाई देते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों आइए समझते हैं 8D का फॉर्मेट किस तरीके का होता है, इसमें क्या क्या हमें भरने पड़ते हैं। तो देखिए जो स्टार्ट से लिखा हुआ है वहाँ पे है सप्लायर का नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट नेम, पार्ट नंबर, PO नंबर, ये सब सारे डिटेल्स भरने होते हैं। आपको कौन सा पार्ट है, किस में क्या दिक्कत आई है, कितने किस PO पे हमारा डिलीवर हुआ था, वो सबका ईमेल, फ़ोन, सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है। उसके बाद हमारा जो 8D का 8 स्टेप होते हैं वो 1x1 स्टार्ट होते हैं, जिसमें हमारा स्टेप पहला होता है प्रोजेक्ट टीम, तो इसमें टीम का मेंबर का नाम लिखेंगे हम। दूसरा डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन होगा इसमें, विथ इमेज भी आप अगर इसमें लिखते हो तो वो बहुत बेटर होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप इम्प्लीमेंट कंटेनमेंट एक्शन, आपने उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या इम्प्लीमेंट कंटेनमेंट एक्शन लिया है वो उसमें लिखोगे आप। फिर चौथा रूट कॉज क्या निकला आपका, वो डिटेल भरोगे आप। फिर परमानेंट करेक्टिव एक्शन आपका क्या रहा, वो सारी डिटेल्स इसमें आप भर दोगे। ऐसे करके ये 8 स्टेप होते हैं और ये 8D का फॉर्मेट है। मैं आप लोगों को अब एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे इसमें भरते कैसे हैं, किस तरीके से हम 8D के फॉर्मेट को पूरी तरीके से फिल करते हैं। तो चलिए समझते हैं। आप ऊपर से स्टार्ट करें, सप्लायर का नेम, कोड, ये सारे पार्ट नेम, पार्ट नंबर, PO, ये सारे डिटेल्स भर दिए गए हैं। उसके बाद हमारा आता है टीम मेंबर कौन कौन से हैं प्रोजेक्ट के टीम, तो उसमें प्रोजेक्ट के टीम में एक बंदे का नाम लिखा हुआ है, हो सकता है उसके यहाँ पे एक ही बंदा लीड कर रहा हो सारे डिपार्टमेंट को। और दूसरा है प्रॉब्लम का डिफिनीशन, प्रॉब्लम डिफाइन किया गया है कि एक फ्रेम पार्ट होता है जिसके ट्यूब के अंदर पेंट की वर्क की दिक्कत आ गई है जिससे कि पार्ट अफेक्टेड हो गया है उसका। इसका कंटेनमेंट एक्शन इन्होंने लिया कि अपने FMI एक कंपनी का नाम है जिसमें अपने FMI के एंड पे इन्होंने 800 पीस को चेक करवाया, उसमें इनको 3 पीस अफेक्टेड मिले, तो ये कंटेनमेंट एक्शन है जिसमें हम सेग्रीगेशन करवाते हैं पार्ट को ताकि ये इससे वो अफेक्टेड पार्ट कस्टमर के पार्ट पास नहीं जा सके। फिर चौथे स्टेप में रूट कॉज निकाला है इन्होंने, रूट कॉज में ये लिखा है कि पेंट बर इज जनरेटेड व्हाइल हैंगिंग द पार्ट ऑन हैंगर एज पार्ट हैंग्ड फॉर द लोअर साइड ऑफ द हेड ट्यूब हैविंग 4 होल। मतलब इन्होंने जब इस पार्ट को पेंट करते हैं, पेंट करते समय हैंगिंग का इन्होंने दिखाया हुआ है कि इस साइड से हैंगिंग किया गया था जिसकी वजह से इसमें पेंट की बर आ गई है, ठीक है। तो इन्होंने जो पांचवा स्टेप लिया है परमानेंट करेक्टिव एक्शन का, इन्होंने लिया है आफ्टर पाउडर कोटिंग पार्ट 100% चेक विजुअली इन केस ऑफ एनी डाउट और बर इनसाइड वी वेरीफाई पार्ट विद द हेल्प ऑफ प्लग गेज टू चेक फंक्शन। मतलब इन्होंने लिया है कि विजुअली एक बार चेक करेंगे, उसके बाद इसका एक प्लग गेज बनाया हुआ है इन्होंने जिससे उस प्लग गेज को इस ट्यूब के अंदर डाल के देखेंगे कि प्लग गेज क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। दोस्तों जो हमारा छठा स्टेप है इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने परमानेंट करेक्टिव एक्शन को चूज किया है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसको वेरीफाई करने के बाद इन्होंने इसमें सेम कॉपी करके लिख दिया है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सातवां स्टेप है प्रिवेंट रीओकरेंस, प्रिवेंट रीओकरेंस में इन्होंने एक्शन लिया है कि इम्प्लीमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेम, तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कर दिया है रिलेटेड इसके जैसे जितने भी फ्रेम हैं उन सब में ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाए ताकि वो कस्टमर के पास ना पहुंचे। जो आठवां स्टेप है कॉन्ग्रेट द टीम, इसमें हम अपने टीम को कॉन्ग्रेट करते हैं कि हमने अच्छा जॉब किया है, अच्छा वर्क किया है इस प्रॉब्लम के ऊपर। तो दोस्तों ये थे 8 स्टेप का एग्जांपल, 8D का एक एग्जांपल था। तो आपको इसी तरह से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ये होता है 8D। आपको
ऐसे ही फॉर्मेट भरने के लिए दिए जाएंगे जब कोई प्रॉब्लम आएगी कस्टमर एंड पर। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से समझा, मुझे विश्वास है। अगर आप लोगों को कोई इसमें दिक्कत है, परेशानी आई है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।